रघुराज यदि प्रधानी को खड़े हो जाए बेनी जीत में, अच्छा ये तो सांसद ही है, जहाँ शिवपाल सिंह कह देंगे वहीं सारा वोट जाएगा। वोट तो लेता है हमसे, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद फिर नहीं आता वो कभी। और अगर चाचा का भी साथ ले ले तो दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखो सीधी बात है, निकल रही है चाचा को क्षेत्र, चाचा ही निकल रहे हैं। अच्छा। और वो रघुराज यदि प्रधानी को खड़े हो जाए बेनी जीत में, अच्छा ये तो सांसद ही है। तो पहले भी तो जीते थे। अरे वो तो चाचा की सरकार में जीत गए। अच्छा अब नहीं जीतेंगे? जीत गए, वे अपने गांव के प्रधानी को खड़े हो जाए तो नहीं जीत पे। अच्छा तो अच्छा ये वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मुलायम सिंह जी गुरु जी है, हमारे उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो गुरु गुरु होते चेला चेला होते हाँ। मतलब जो है तो चाचा ही संरक्षण, आशीर्वाद नहीं है? कोई आशीर्वाद नहीं। अच्छा बताओ तुम, साइकिल ही जीते? भाजपा नामू नहीं है थे? नहीं है। अरे तो खड़े भाई, अरे बिना कछु नहीं मिले है, है? एक डेढ़ लाख यार। देखो सपा के भी है, भाजपा के भी है, वो सब सपा जीते भाजपा ना खड़े हो जाए अपने गांव अपने मौजा से। प्रधानी नहीं जीत पे। अच्छा अपने मोमिया मिठू हम जसवंत नगर गए हैं, धौलपुर ज्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर दूर है। बहुत बुरी तरीका है यार। अच्छा साइकिल जीते है यहाँ पे क्षेत्र सब चाचा की जमा। आपको क्या लगता है सपा के भाजपा? माननीय शिवपाल सिंह जी का क्षेत्र है, यहाँ से डिम्पल ही जीतेंगे। हाँ। कोई प्रत्याशी आ जाए तो टक्कर देने वाला धागड़ प्रत्याशी चाहिए उनको। अच्छा शिवपाल जी अभी आ गए हैं साथ में अखिलेश के, जब शिवपाल जी साथ में नहीं थे तो क्या लग रहा था? अगर वो नहीं साथ में नहीं होते तो क्या होता? तो वो जाहिर सी बात है डिम्पल हार जाती। हार जाती 100% हार जाती शिवपाल की वजह से जीत रही है। 100% शिवपाल जी चच्चा की वजह से। चच्चा की वजह से और क्या? ओके 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 सपा की भाजपा भैया, सपा की भाजपा। धीरे धीरे आप बोला था, मैं सब केवल एक शब्द में पूछ रहा हूँ आपसे, सपा या भाजपा? नहीं पूरी बात पूछा, पूरी बात बताइए। चलिए पूरी बात बताइए, कौन जीतेगा पहले? पहली पहला बात, पहला बात तो जो है, मेरा नाम इलियास सिद्दीकी है, जसवंत नगर जी। अच्छा। सभा के बोलने दो समझे, जसवंत नगर के इलियास सिद्दीकी जी, जसवंत नगर जी, सिद्दीकी जी। हम यहाँ जो है शिवपाल का गढ़ है और डिम्पल जीतने जीत रहे यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे जो भाजपा का जो जीत के जाता कैंडिडेट जो भी आता है चुनाव में, जब भी आता है तो वोट तो लेता है हमसे, लेकिन उसके बाद 5 साल बाद फिर नहीं आता वो कभी। अच्छा कभी नहीं आता है, शक्ल नहीं दिखती, कभी शक्ल नहीं दिखती। अच्छा अब यहाँ के जो लोग हैं जैसे शिवपाल है, वोट लेते हैं तो हमारे बीच में आते भी हैं। अच्छा बात भी करते हैं, बैठते हैं भी, उठते भी हैं, और जैसे कोई गमी जमी होती है उसमें भी आते हैं। तो हम लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि जब हमारे बीच में जो लोग रहते हैं साथ रहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि वो हम भी उनके साथ रहें, वो भी हमारे साथ में, हम भी उनके साथ में। 100 रुपए जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, जब हमारे रिश्तेदार हमसे बात करेंगे, हमारे संपर्क में रहेंगे, तभी तो हम उनके संपर्क में जाएंगे। जब हमारे संपर्क में जाएंगे तो हम उनके संपर्क क्यों जाएंगे? तो इसी तरह हम लोग ये सब शिवपाल के लोग हैं, वोट भी देते हैं, तो इसलिए मजबूरी है क्योंकि कोई आता ही नहीं है कभी, ठीक है। अच्छा मैनपुरी उपचुनाव में किसकी जीत होनी है, सपा की या भाजपा की? मैनपुरी उपचुनाव में हमने आपसे पहले कह दिया, जब यहाँ पे जो है सब हम लोग शिवपाल से जुड़े हुए हैं और शिवपाल को वोट देंगे, क्योंकि शिवपाल कल फिर शिवपाल ही आएंगे, लॉर्ड फेर के शिवपाल ही आएंगे। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम लोग अगले डिम्पल यादव को दें और डिम्पल यहाँ से जीत के जाए, अच्छे वोटों से जीत के जाए। और अच्छा डिम्पल अगर जीतेंगे तो शिवपाल की वजह से जीतेंगे या अखिलेश की वजह से? डिम्पल जीतेंगे, ये तो ये परिवार एक हो गया है, पहले भी एक था और आज भी एक है और भविष्य में भी एक रहेगा। लेकिन लड़ाई तो हर परिवार में होती है, हमारे भी होती है, आपके भी होती है, इनके भी होती है, सबके होती है। तो लड़ाइयाँ ये अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये जो चुनाव है, चुनाव ये सब मिलकर लड़ रहे हैं और दोनों की मेहनत है, दोनों की वो है, हम लोग भी कार्यकर्ता लगे, इसलिए हम लोग सब को जिताएंगे, क्योंकि चचा जो है यहाँ के विधायक भी हैं और हम भी लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में जो लोग रहेगा हम भी उसको जिताएं, कल को हमारे भी अगर कोई दुख दुख होता है। ठीक है सुख दुख की बात ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर चुनाव होगा? क्या क्या केवल सुख दुख को लेकर चुनाव होगा कि वो सुख दुख में सभी होते हैं इसलिए सिर्फ चुनाव करेंगे, या फिर कोई विकास या कोई और दूसरा मुद्दा भी है? यहाँ माफ कीजिए जसवंत नगर में या मैनपुरी में जो भी विकास किया है
जो भी जहाँ भी आप इलाज देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, ये सब सपा की देन है। अच्छा, सब सपा वाले ही कराते हैं। और मुलायम सिंह की सरकार रही, सतपाल सिंह ने पुल बनवाए, नदी बनवाई, नाले बनवाए, सड़कें बनवाई। ये हमारा जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये जिला पंचायत का जो मार्केट है, ये सतपाल की देन है। अच्छा, किसी की ताकत नहीं थी ये मार्केट बनवा दे, समझे? तो हम लोग गरीब आदमी, हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हमारी अगर एक दुकान मिल गई, हम लोग खोखे में बैठे थे और रोज आयदान धक्का मुक्की होती थी, आइडिया उठाओ वो उठाओ जी तोड़ो वो तोड़ो, तो आज हमारा जो मार्केट बन गया, तो हम लोग रोजी रोटी मिलेगी, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि मतलब जो हमें रोटी देगा हम उसको वोट देंगे। सीधी सी बात है, जो रोटी देगा उसको वोट देंगे। वाह, ये नारा है आपका जी, जो रोटी देगा उसको वोट देंगे। आइए और लोगों से जाने क्या है उनकी राय, एक शब्द में सर पूछेंगे, सपा या भाजपा कौन जीतेगा? सपा। सपा, सपा या भाजपा? सपा। सपा, सपा या भाजपा? सपा। सपा, सपा या भाजपा? भैया यहाँ तो सपा ही साहब है, यहाँ तो सपा ही है। क्या सपा के भाजपा? आइए, आपको ये नहीं मालूम होगा समाजवादी किस चीज से बनी हुई है। अच्छा, किससे बनी हुई है? एक मिनट इधर आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन पूछना तो दासो क्वेश्चन पूछना। अच्छा, छुटर पुटर वाला क्वेश्चन मत पूछना। ठीक, समाजवादी सब समाज को मिला के तब समाजवादी बनी है। अच्छा, इसीलिए माननीय सतपाल सिंह के कहने से कोई भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा, ये पूरा जसवंत नगर है, जहाँ सतपाल सिंह कह देंगे वहीं सारा वोट जाएगा। आप किसी कहीं भी किसी मोहल्ले से पूछ लीजिए। समाजवादी समाज से बनी है, भारतीय जनता पार्टी भारत से बनी है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मीडिया भारतीय जनता पार्टी की क्यों तारीफ करती है? अच्छा, ये आपसे पूछना चाहिए। नहीं, हमने तो नहीं की। नहीं, आपने कही भारतीय जनता पार्टी भारत, आपकी बात का जवाब दिया है। नहीं, आपने कहा कि समाजवादी समाज से बनी है, तो हमने आपको बताया भारतीय जनता भारत से बनी है और भारत में समाज है, आपका भारत में ही समाज है, तो सारे समाज को मिला के ही तो मैं समाजवादी बनूंगा। तभी तो मैं साइकिल का बटन दबाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ूंगा। तो भारतीय ही बनेंगे क्या? भारतीय भी बनेंगे। अच्छा, और समाज, आप चार भाई हो, हम चार भाई को अगर लेके चलेंगे तो ही हम अब मजबूत होंगे। अगर हम चार भाई को अलग अलग करेंगे तो मजबूत नहीं होंगे। अच्छा, मुद्दा क्या है जसवंत नगर में, आप बताइए। आप जसवंत नगर में हर चीज हुआ क्या? नहीं है, उन्होंने हमेशा नेता जो अब जो वोट पड़ेगा, अब जो वोट पड़ेगा वो नेताजी की श्रद्धांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में पड़ेगा। एक और पहले से ज्यादा और अधिक, आपको शायद ये नहीं मालूम होगा डिंपल भाभी कितने वोटों से जीत रही हैं। अच्छा, ये नहीं मालूम होगा? नहीं, हमें नहीं आपको नहीं मालूम है? हाँ, आप भरू सर्वे कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि डिंपल भाभी कितने अधिक वोटों से जीत रही है माननीय नेताजी जी की बदौलत? अब कितने से? आप 3 लाख वोटों से जीतेंगे। 3 लाख से? 3 लाख से। अगर अगर किसी को, ज्योतिषी की दुकान तो नहीं है? ज्योतिष नहीं है, ज्योतिष नहीं है ये, ओनली आप 3 लाख रुपए, 3 लाख वोट गिन लेना। 3 लाख वोट से जीतेंगे? बिल्कुल राय, पक्का पक्का। और आपके 10 रुपए मेरे 100। अच्छा, 3 लाख वोट से जीते, क्योंकि अखिलेश भैया जब से चुनाव पर्चा भरवाया उस दिन से और अभी तक सेपाई नहीं छोड़ा, तो जो सोच लो पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुका होगा, जिसने अपना स्टेट नहीं छोड़ा, तो आप समझ लो उसकी जीत कितनी भारी होगी। शर्त लगा रहे हैं आप? शर्त आपके 10 मेरे 100। नहीं, हमसे क्यों लगाएंगे? भाजपा वाले आप बुला लीजिए। अच्छा, हाँ, और कोई दासू को सुनना है? और क्या लग रहा है कि इस बार जो वोट पड़ रहा है वो श्रद्धांजलि के रूप में केवल पड़ेगा या फिर विकास में मुद्दा रहेगा? विकास नहीं, इस बार विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विकास किया है, विकास दुबे का। अच्छा, और भी कर रहा है। हाँ। मेरे फर्जी अकाउंटर हो रहे हैं। अच्छा, विकास दुबे का विकास कर दिया, और क्या चाहिए विकास? अब आपको किसका विकास चाहिए? हमें विकास नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। एक भी योगी जी ने कितनी नौकरियां दी, रोजगार। अब 4 साल की नौकरी रह गई, और भी रहा है वो, बाकी फिर 1 साल रह जाएगी, और क्या रहे? और भी कुछ चाहिए तो बताइए। अच्छा, ऐसा था तब गतिविधियां नहीं मिल पाई थी। चाचा अखिलेश जी ने एक क्वेश्चन, अभी आपने जब यहाँ पे जसवंत नगर आए थे, उन्होंने ये कहा था कि चाचा से दूरियां नहीं थी, राजनीति से दूरियां थी। अच्छा, पार्टी से वो अभी भी विधायक है, समाजवादी पार्टी से माननीय सतपाल सिंह वो विधायक है और आगे भी रहेंगे। चाचा हमेशा भतीजे का साथ देंगे, दूरियां कहाँ थी? उन्होंने कहा, अखिलेश ने कहा चाचा भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। नहीं, दिखाने के लिए नहीं थी, दिखाने के लिए नहीं थी। हाथी के दांत दिखाने को होते, वो चीज ऐसा सिस्टम नहीं है।
सिर्फ मतभेद थोड़े देख थे, अब वो भतीजे ने चाचा के पैर छुए, आज चाचा मान गए। चाचा हमेशा चाचा का इतना बड़ा दिल कभी किसी का है ही नहीं। अखिलेश जी को समझ आ गई कि चाचा के ऐसा दिल कहीं नहीं है, और अगर चाचा का भी साथ ले ले तो वे दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ मनभेद नहीं थे, मतभेद थे थोड़े बहुत, चार बर्तन तो खटकते हैं। घर में भी, आपके भी, सास में, बहू में भी, उनमें भी खटकते हैं, हर चीज में खटकते हैं। आपको क्या लगता है पिताजी की विरासत को बचाने के लिए उन्होंने सिपाल जाजा से मतलब मदद मांगी? अब ऐसा था, आपको एक चीज और बता दें, पहले नेताजी थे, अब नेताजी कोई जब आपके बड़े बूढ़ों का किसी का हाथ होता है तो क्या होता है, किसी बड़े, अब आप उनके पिताजी नहीं है, अब चाचा जी का हाथ है, अब चाचा जी का हाथ रख गया, अब अगर वे आगे हाथ अपना रखवाना चाहते तो वे मुख्यमंत्री ही बनेंगे। अब तो राम गोपाल चाचा की बात अलग है, जहाँ चाचा सिपाल की बात है, आप कहाँ सिपाल क्या चीज है, आपको हस्ती तो मालूम होना चाहिए। सिपाल सिंह एक बहुत बड़ी हस्ती है, राम गोपाल चीज एक अलग चीज है, उनका वजूद अलग है, लेकिन जो हस्ती है वो सिपमानी सिपाल सिंह है। अगर चाचा भतीजे का साथ देते हैं तो अखिलेश निभा लेंगे, अगर भतीजे अखिलेश चाचा का साथ नहीं लेंगे तो मेरी समझ से तो अपनी बाय बाय टाटा खत्म।